प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांटाफोड़ में कांग्रेसियों ने बस स्टैंड पर एकत्रित होकर बस स्टैंड से गांधी चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकाली। गांधी चौराहे पर आयोजित सभा के दौरान पीसीसी सदस्य मनोज होलानी एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजाराम यादव ने केंद्र तथा प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज ही के दिन प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराई गई थी, उसी के विरोध स्वरूप हमने आज के दिन को काला दिवस मनाते हुए यह आयोजन किया है। सभा को नगर परिषद अध्यक्ष आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान गांधी चौराहे पर कांग्रेसियों ने महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। सतवास से संजय परसाई की रिपोर्ट। हर वो आयोजन में जो सरकार के विरोध में है, और हर आयोजन सरकार के विरोध में ही है क्योंकि सरकार ने कुछ करा नहीं है। जिस जगह आज हम यहाँ जो काला दिवस मना रहे हैं उसकी कहानी पूरे देश को मालूम है, प्रदेश नहीं पूरे देश को मालूम है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करी गई और किस तरह से कमलनाथ जी की बेटी हुई सरकार को गिराया गया। हमारे विधायकों को खरीद कर, हमारे बहुत बड़े महाराज को खरीद कर, पैसे में इतनी ताकत होती है कि देखिए इस देश का महाराज हमारे सिंधिया जी जैसे लोग बिक गए तो हम छोटे लोग की क्या बात करें। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में हमें ऐसे व्यक्तियों को चुनना है जो कहीं ना कहीं टिके ना और जो सटीक हो, जो हमारी पार्टी के साथ तन मन और धन से खड़े रहे। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आप अपना कार्य बिल्कुल कमर कस लें और आने वाले चुनाव में 2023 में हमको पुनः 2023 में श्री कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और मजबूती के साथ विधानसभा पहुंचाना है ताकि ऐसी स्थिति ना बने कि 20-25 विधायक घेर के फिर सर। आज ये किस संबंध में रैली निकाली और ये जो पिछली कमलनाथ हमारी सरकार को जो जनता ने चुना था, जो हमारी सरकार अच्छा वाला काम कर रही थी, कमलनाथ जी हमारे पूरे प्रदेश में विकास का काम कर रहे थे, गरीबों की कर्ज माफी का काम कर रहे थे, उस अच्छी सरकार को लोकतंत्र की हत्या कर जिस ढंग से युवराज जी ने विधायक लोगों को खरीदी फरोख्त करके वो सरकार गिराई, उस सरकार गिराने के दिवस को हम काला दिवस मानते हैं। और उस काला दिवस के स्वरूप में आज हम यहाँ पूरे कांग्रेस जन, हमारी पूरी ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, युवक कांग्रेस और हमारे सभी साथी आज मौजूद हैं। और ये हम इसलिए खड़े हैं कि कहीं ना कहीं हम जनता को ये बताएं कि इस तरह से लोकतंत्र हत्या करके अगर देश चलाना है, प्रदेश चलाना है, तो भैया कैसा काम चलेगा? आपका जो वोट गया, जो आपकी जनता चुनी, सरकार चुनी, उसका क्या होगा? तो हम आज यहाँ पे इकट्ठा होकर सबसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी निकम्मी स्थितिया सरकार, बेकार सरकार को आपको उखाड़ देखना है और आने वाले 2023 चुनाव में पुनः हमारे माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा होना है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।